मेरा नाम है राहुल कुमार और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं जो स्टार्ट करूंगा वो है आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज 4A। अगर आपके पास 2018 की पब्लिकेशन की बुक है तब, और 10A अगर आपके पास कोई पुरानी पब्लिकेशन की बुक है तो। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 57, 59 और 60 तीनों एक ही टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप 57 अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका 59 और 60 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा कि 57 सिर्फ यहाँ बता देता हूँ। आपका होमवर्क क्या है कि 59 और 60 को आप घर पे बना लीजिएगा और कमेंट में लिख कर बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं बनता तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी क्या करना है, वही x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इजी है। बस क्या करना है, इसको एलसीएम लेकर जैसे सिंप्लीफाई करते करते x के वैल्यू को फाइंड कर देना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना, उसके बाद x का वैल्यू हम लोग को फाइंड कर लेना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इधर वाले टर्म को इधर तो उधर उधर डालने की कोई जरूरत नहीं है, इधर सब एक कैटेगरी का एक साथ है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेरा एक्स माइनस टू और यहाँ पे एक्स, एलसीएम यही होता है। अगर दोनों एक दूसरे से डिवाइड ना हो तो दोनों का मल्टीपल हो जाता, तो मैंने वही कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे एक्स प्लस थ्री। अब क्या, इस टर्म को पूरे से डिवाइड देंगे तो ये मेरा चला जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स। एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कर लिए। इसके बाद यहाँ माइनस साइन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस टर्म को उतार लेंगे वन माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस एक्स को पूरे टर्म, इस एक्स से पूरे टर्म को डिवाइड देंगे तो एक्स चला जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फोर फोर से 16 है, 117 बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेंगे, एक्स के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस रहने दीजिए और ब्रैकेट में लेकर करिए, तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। और नीचे अगर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स 17 बाई 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को धीरे धीरे खोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसको पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, क्या ये माइनस एक्स स्क्वायर आगे कर लेते हैं, x के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आगे लिख लिया हम लोग, यहाँ कितना आ जाएगा 3x और ये माइनस 2 और नीचे तो वही चीज आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, इक्वल 17 बाई 4, ओके। चलिए, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब अंदर का सारा साइन चेंज कर देना हमको, माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 17 बाई 4, ओके। चलिए, अब क्या करेंगे, ये 3x कैंसिल आउट, ओके, 3x कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 और डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 17 बाई 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इसे और इसको इसे करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स कितना, 17x स्क्वायर माइनस 34x, ओके। चलिए, अब इसे क्या करेंगे, इस टर्म को इधर ही रहने देंगे, इस टर्म को उधर कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ मेरा अगर उधर करेंगे तो माइनस में जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर का, ऐसे इधर करेंगे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन हमें फिर माइनस साइन हटाना ही पड़ेगा सॉल्व करने के, ठीक है। तो बस इसको इधर ही रखने देते हैं, इसको उधर कर देते, पहले इसको लिख लेते हैं 17x स्क्वायर, इसको उधर करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर, ये माइनस 34x और ये माइनस 8 इक्वल 0, ठीक है। चलिए, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इक्वल 0। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको निकालना आता है, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं, मैं आगे निकाल देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसको करेंगे 72 आ जाएगा
और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 36 टू जो 72 आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सब ट्रैक करे तो ये माइनस साइन के साथ भी आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा सॉरी माइनस 36 रखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस साइन के साथ भी आ जाएगा। यहाँ पे मेरा ऐड दोनों को कर देंगे तो माइनस 34 भी आ जाएगा, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं, 36x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0, ठीक है। चलिए अब इन दोनों से 9x को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है, और यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों से x माइनस 4 को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9x प्लस 2 इक्वल 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं तो x माइनस 4 इक्वल 0 और यहाँ से 9x प्लस 2 इक्वल 0, तो x का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा माइनस 2 और x इक्वल माइनस 2 बाई 9, ठीक है। और आप इसी तरह ही 59 और 60 को बना लीजिएगा। अब हम लोग 58 को देखेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग 58 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे, ठीक है। तो 58 नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, ठीक है। और 59 और 60 तो एकदम 57 जैसा है तो वो तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना मतलब पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जब लेंगे तो दोनों डिविजिबल नहीं है एक दूसरे से, ठीक है, या एक्स के टर्म में ये अलग चीज है, ठीक है। तो डिविजिबल नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम लोग को पता है एलसीएम ऐसे ही होता है। तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। इस टर्म को इससे पूरे से डिवाइड देंगे तो ये चला जाएगा, कट जाएगा, और ये बचेगा तो ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस वही लिख देते हैं हम लोग, 3x माइनस 4, ठीक है, प्लस साइन अब देंगे। इस टर्म को इससे डिवाइड देंगे तो ये टर्म चला जाएगा और 7 बचेगा तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस हम लोग लिख दिए। और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, ठीक है, जो दिया गया, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब ये देखिए मेरा स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, ये मेरा ऐसा है 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों सेम है तो स्क्वायर हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, हम लोग को पता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 ऐसा माइनस ऐसा, ठीक है, और इधर 5/2। अब इसको भी हम लोग स्प्लिट करते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हम लोग को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बस उसी पे हम लोग रख देते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 16, ठीक है, माइनस 2ab, माइनस 2a कितना है 3x और b कितना है 4, ठीक है, प्लस 49, और पूरे को डिवाइड करेंगे 21x माइनस 28 से, और यहाँ पे ये 5/2, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 16 माइनस ये कितना जाएगा, 4 2 8 24, धीरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 49 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 21 x माइनस 28 इक्वल्स 5/2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर और यहाँ पे मेरा कितना 24x और ये मेरा आ जाएगा 65 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो, और नीचे आ जाएगा 21x माइनस 28 इक्वल्स 5/2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब तो इजी आ गया, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अब कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 130 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 5 को 21 से करेंगे तो 105x और यहाँ पे माइनस 28 को करेंगे 5 से तो 140, ठीक है, 140 आ गया। अब उस टर्म को इधर ले आएंगे, ठीक है। चलिए 18x स्क्वायर माइनस 48x इस टर्म को इधर लाएंगे तो
प्लस का माइनस हो जाएगा और ये 130 प्लस 140 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे 18x स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ऐसा 153 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस यहाँ आ जाएगा 270 इक्वल 0। अब इसमें से हम लोग 9 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 9 अगर कॉमन निकाले तो यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 1 और ये कितना हो जाएगा 7x और प्लस 30 इक्वल 0। इस 9 को उधर 0 के इक्वल कर देंगे तो मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इक्वल 0। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं कर देता हूँ। इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 60 आ जाएगा और अगर इसको स्प्लिट करें तो 12 और 5 में स्प्लिट कर सकते हैं और यहाँ माइनस लाना है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे प्लस 60 भी आ जाएगा और दोनों को माइनस साइन के साथ ऐड कर देंगे तो माइनस 17 भी आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आ गया। बस तो यही को लिख देते हैं। इसके बदले हम लोग इससे लिख सकते हैं 12x माइनस 5x और प्लस 30 इक्वल 0। ठीक है, अब इन दोनों से हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं, x बचेगा 6 और इससे माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल 0। अब यहाँ से जो मेरा इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल 0 और दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे तो x का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 6 और यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा 5, तो x का वैल्यू 5/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वो क्यों, क्योंकि 2 × 4 प्लस 1 5 आ गया, आंसर इसी में दिया गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, लाइक कर दीजिए। अब हम लोग 59 और 60 तो एकदम 57 जैसा है, अब हम लोग 61 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। ठीक है, तो 61 और 62 दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं आपको 61 भी बता दूंगा तो 62 आप अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पे 61 बना दूंगा, 62 आप अपने से बना लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 61 को। 61 नंबर में वही चीज करना है, एक्स के वैल्यू को फाइंड करना है, इसमें भी वही सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व करना है एलसीएम लेकर। चलिए तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इधर एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, दोनों तो डिजिटल नहीं है तो बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब इस टर्म को यहीं पे लिख देंगे ये चीज, और क्या करते हैं इस टर्म को इससे पूरे टर्म से डिवाइड देंगे तो इधर टर्म चला जाएगा, दोनों सेम है और ये बचेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस वही कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस साइन है, फिर इसको उतार देते हैं। ये इस टर्म से इस पूरे टर्म को डिवाइड देंगे तो ये चला जाएगा और ये बच जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 5 इक्वल्स यहाँ क्या कर सकते हैं 3×9 प्लस 1 10 बाई 3। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 28। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35। ठीक है, इक्वल्स कितना हो जाएगा 10/3। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 7, हाँ कितना आ जाएगा ये यहाँ पे 7 माइनस 7 माइनस 11 और यहाँ पे भी माइनस 11 माइनस माइनस 11 माइनस 11 माइनस 22 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 22x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 58 प्लस 30 58। चलिए और डिवाइडेड बाई कितना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x 7x और ये भी आ जाएगा मेरा 12x आ जाएगा। ठीक है, प्लस 35 इक्वल्स 10/3। अब ऊपर वाले से 2 कॉमन हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिए तो ये आ जाएगा
11x प्लस 29 और नीचे तो कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो बस यही चीज आ जाएगा यहाँ पे बिकॉज 10y3 यहाँ से 2 को काट देंगे तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ मेरा आ जाएगा 3x² माइनस 33x प्लस 117। ठीक है, 117 सॉरी 87 इक्वल्स 5 से करेंगे 5x² माइनस 60x और यहां पे आ जाएगा 175। ठीक है सब, अब क्या करेंगे, इधर इस टर्म को इधर ही रहने देंगे, इस पूरे टर्म को उधर कर देंगे। ठीक है, ताकि मेरा माइनस में ना आए। ठीक है, तो बस वही कर रहे हैं, 5x² उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, 60x प्लस 175। अब इसको उधर कर रहे हैं तो माइनस 3x², ये माइनस का जाकर उधर प्लस हो जाएगा 33x और ये प्लस का जाकर उधर माइनस हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 5x² माइनस 3x² 2x², तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x², अब क्या है 60x², ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो मेरा 27 आ जाएगा, माइनस साइन 27x। ठीक है, यहाँ पे 175 और यहाँ पे कितना, तो ये मेरा आ जाएगा 75 खत्म और यहाँ पे बचेगा मेरा 88 आ जाएगा प्लस 88 इक्वल 0। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का वही रूल, यहाँ पे क्या करेंगे 88, ठीक है, और 88 तो हम लोग क्या क्या तोड़ सकते हैं, 1 × 88 कर सकते हैं, 2 × 44 कर सकते हैं, 3 से तो नहीं होगा, 4 से सॉरी 88 और यहाँ पे 2 से तो यहाँ पे 176। अब इसे हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं बस आपको बता देता हूँ कितना कितना आएगा यहाँ पे 16 और 11 विथ माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस 176 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आप ऐड कीजिएगा दोनों माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 2x², इसके बदले इसे लिख सकते हैं माइनस 16x माइनस 11x प्लस 88 इक्वल 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम 2x को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8, यहाँ से 11 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से इसे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 8 और यहाँ पे 2x माइनस 11 इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा 11 और यहाँ पे 11/2, इसको हम लोग 5 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। आपको अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर 62 भी खुद से बना लीजिएगा, और अगर समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट में लिखिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।